हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश योर टेकमेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस की तरफ से लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस की तरफ से वन प्लस एस टू प्रो बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है, चाइना में अगस्त के महीने में लॉन्च होगा। एंड समवेयर एट लेटर स्टेज ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। प्रॉबेबली ये स्मार्टफोन वन प्लस एस टू प्रो नाम से इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन वन प्लस 12R नाम से ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। स्मार्टफोन से जुड़े लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। आज के वीडियो में बात करते हैं वन प्लस एस टू प्रो से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है स्मार्टफोन, सारी चीज डिस्कस करते हैं बस एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को लेकर के बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल करके नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ग्लास बिल्ड यहां पर आपको मिल सकता है। ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, आईपी रेटिंग आपको मिल जाएगी। तो बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन कैसा होने वाला है ये चीज तो अभी तक पता नहीं पड़ी है, लेकिन फ्रंट में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है, सेंटर पंचोल आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड बैक पैनल में वही टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप, 3 कैमरास की हाउसिंग, वन प्लस की ब्रांडिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सो बिल्ड एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से बिल्ड एंड डिजाइन तो आपको बढ़िया मिलने ही वाला है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो 6.74 इंचेस का यहां पर आपको बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, तो इन हैंड फील जो है फोन का थोड़ा सा बल्की रहेगा, थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा। एंड सिंगल हैंड यूसेज ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। 6.74 इंचेस का जो डिस्प्ले है वहां पर आपको 1.5K रेजोल्यूशन मिलेगा एंड फ्लूइड एमोलेड पैनल आपको मिलेगा, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बढ़िया रहने वाला है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, 451 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, HDR10 HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, 1500 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो ब्राइटनेस भी तगड़ी रहने वाली है। कंटेंट वॉचिंग के लिए तो डिस्प्ले अच्छा है ही है, ब्राइटनेस भी सॉलिड है, इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी, प्लस 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, मतलब स्मूथनेस भी आपको तगड़ी मिलने वाली है। सो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है भाई, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। 1.5 के रेजोल्यूशन है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1500 निट्स की ब्राइटनेस है, डिस्प्ले क्वालिटी सॉलिड है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट यहां पर आपको मिलेगा, जो कि बीस्ट चिपसेट है, मॉन्स्टर चिपसेट है, 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी देता है, हीटिंग का इशू आपको बहुत कम मिलता है, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एंड इस प्रोसेसर के दो वेरिएंट आते हैं, एक अंडरक्लॉक्ड रहता है 3.2 गीगाहर्ट्ज पर, लेकिन वन प्लस एस टू प्रो में आपको फुल फ्लेज वर्जन मिलेगा जहां पर 3.36 गीगाहर्ट्ज की आपको पीक क्लॉक स्पीड मिलेगी एंड आर्म कॉर्टेक्स X3 वाले आपको कोर्स मिलेंगे। तो डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको मक्खन मिलने वाली है भाई, बटरी स्मूथ आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, मल्टीटास्किंग आराम से हो जाएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 740 GPU मिलेगा, जो कि मस्त गेमिंग आपको करा देगा, 90 FPS की बटरी स्मूथ गेमिंग आप कर पाएंगे, तो वहां भी आपको शिकायत नहीं आएगी। ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके बहुत अच्छे से निपट जाएंगे। साथ ही साथ LPDDR5X RAM यहां पर आपको मिलेगा एंड UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलेगा। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में भी आपको शिकायत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलेगी। बात करेंगे कैमरास के बारे में, 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ रहेगा, प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का, जहां पर आपको मिलेगा सोनी IMX890 सेंसर, सेम सेंसर आपको OnePlus Nord 3 में मिला है, OnePlus Nord CE3 में मिला है, OnePlus 11 में मिला है, एंड इस फोन में भी आपको सेम सेंसर मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ में आएगा, साथ ही साथ यहीं पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा, 3 कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे, रेयर कैमरा से आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 24 FPS पर, 4K वीडियो 30 and 60 FPS पर, 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो अप टू 240 FPS पर। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप में आपको कुछ खास नहीं मिलता है, बहुत ही बेसिक कैमरा सेटअप है। हाँ, प्राइमरी कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल्स के जो कैमरास दिए गए हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेंगे आपको। बात करेंगे बैटरी के बारे में तो बैटरी मॉड्यूल सॉलिड आपको मिलने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो फोन है दो डिफरेंट बैटरी वेरिएंट में लॉन्च होगा। पहला वेरिएंट रहेगा 5200 mAh की बैटरी के साथ में, जहां पर आपको 150 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, मतलब भाई साहब बैटरी का साइज भी तगड़ा है, 5200 mAh की बैटरी, 150 वॉट की चार्जिंग,
डेडली कॉम्बिनेशन है भाई, सॉलिड बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये बैटरी मॉड्यूल पसंद नहीं आता है तो इसका एक सेकंड वेरिएंट भी आपको मिलेगा, जहां पर आपको 4600 mAh की बैटरी मिलेगी एंड वहीं पर आपको 240 W की वूपिंग चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी। मतलब भाई साहब 240 W किसको बोलते हैं, मतलब 150 W में मेरे को मजा आ जाता है। 240 W की चार्जिंग, मतलब 10-12 मिनट आपके फोन को लगेंगे चार्ज होने में भाई, एंड 0 से लेकर 100% फुल चार्ज हो जाएगा 10-12 मिनट में। सो बैटरी मॉड्यूल आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है भाई, बैटरी मॉड्यूल में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, सॉलिड लिटरली बैटरी मॉड्यूल रहेगा। चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, चुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, सेंसर्स में आपको कमी नहीं मिलेगी। आईआर ब्लास्टर भी आपको मिलेगा, एनएफसी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो सेंसर्स में तो कमी नहीं आने वाली है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा ऑक्सीजन ओएस 13.1 जो कि क्लीन रहेगा, ब्लोटवेयर फ्री रहेगा एंड बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देगा। तो सॉफ्टवेयर में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे एंड लाउड रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, डिटेल्स आपको अच्छी मिलेगी, ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट फोन का जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 1.5K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रॉपर ट्यूनिंग के साथ में, तो मूवीज वगैरह देखने में आपको मजा आएगा, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन का बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो कार्ड स्लॉट ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, 2 SIM कार्ड आप लगा पाएंगे लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंडेबल स्टोरेज की आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको भरपूर स्टोरेज देखने को मिलेगी, क्योंकि इस फोन का जो बेस वेरियंट रहेगा 12 GB + 256 GB रहेगा एंड ऑल द वे अप टू 24 GB की रैम प्लस 1 TB का स्टोरेज यहां पर आपको मिलेगा। और 24 GB की जो रैम है वो पूरी फिजिकल रैम रहेगी, वहां पर वर्चुअल रैम आपको अलग से देखने के लिए मिलेगी। तो भाई साहब ये जो स्मार्टफोन है 36-40 GB के आसपास टॉप वेरिएंट में जाएगा इंक्लूडिंग वर्चुअल रैम, तो तगड़ा स्मार्टफोन रहने वाला है। एंड लिटरली स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे दिए गए हैं, बिल्ड क्वालिटी से लेकर के स्पीकर क्वालिटी तक सारी चीजें यहां पर आपको अच्छी मिलने वाली है। सो मेरे हिसाब से एक तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्मार्टफोन के इंडिया में OnePlus 12R नाम से लॉन्च होता है या किसी और नाम से लॉन्च होता है एंड किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाता है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस स्मार्टफोन, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, कैसा है स्मार्टफोन, किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय-बाय।